कैसे आप उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आई हूं एक नई वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ सबसे पहले ये शेयर करती हूँ कि फाइनली आज जो मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रही है, जो मेरी कैप्चर करने जा रही है, वो सारे प्रिंसेस के थ्रू है। तो इसलिए इंशाल्लाह आप जरूर इंजॉय करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आपके नजर में काफ़ी ज़्यादा खुशी नजर आ रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि आज मेरी बहन की मंगनी है और बहुत ज़्यादा वो खुश हो। उसकी एंगेजमेंट है, मेरी बहन, मेरी कज़न, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरा सारा कुछ उसकी आज बहुत अच्छा मतलब दिन है, स्पेशल दिन है। तो उसके लिए मैं रेडी शेडी हो रही हूँ और देखें ताना गांजी हो रही है यहाँ से। तो देखना जा रहा है कि कौन सी वीडियो और किस तरह किया जा रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आप वीडियो आपने एंड तक जरूर देखना है। और मेरी मामा भी आई हुई है, सपना सारा भी लोग आई हुई है, सब आए हुए हैं। तो आपके साथ शेयर करती हूँ जितने भी इधर उधर के सीन वगैरह उनके सारा कुछ। और ये देखें तो इस तरह अभी सब मतलब रेडी शेडी होने लगे, सिर्फ तैयारियां शुरू होने लगी। जो प्रिपरेशन वगैरह वो आपके साथ शेयर करती हूँ और जो हम तैयार होने लगे वो भी शुरू करते हैं। तो अभी मैं मेहंदी लगवाने लगी और साथ फेस का कुछ करने लगी। आए मामा को मिलाती हूँ। तो मेरी प्यारी मुझे फैमिली ये देखे कि मामा आई हुई है और मामा से मैं मिलने गई हूँ दोबारा आपके सामने। और मामा अभी शावर लेके आई है, फ्रेश हो गई है क्योंकि मामा काफ़ी सारी थक गई थी और मौसम भी आपको पता है किस तरह का है इसलिए हाथ से। और ये देखिए यहाँ पे ये भी प्रिपरेशन जारी है गिफ्ट वगैरह पैक करने की, कुछ इस तरह से। और दमान के स्नान हो गया हुआ सपना कुछ इस तरह अपनी मशीनों में लगी हुई है और मामा भी रेडी हो रही है। इन्होंने अपनी अपनी वीडियो वगैरह स्टार्ट कर दी तो मैंने कहा आपके साथ जल्दी जल्दी इनको भी शेयर कर लेती कि मामा यहाँ पे आई है। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली यहाँ पे देखे जी हम रेडी हो चुके हैं और कुछ इस तरह से हम जा रहे हैं क्योंकि मैरिज हॉल पहुँचना और टाइम पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो नाना वो कह रहे थे ये लाइट ऑफ कर, उनको नहीं पता था कि हम वीडियो बना रहे हैं, हम सीन कैप्चर करके आपके साथ शेयर करने वाले। आपने जरूर एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो सूरज भी ग्रूब होने के करीब था और कुछ इस तरह से जो टाइमिंग दी गई थी उस टाइमिंग तक हम पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चेक कर रही थी कि मैं अभी मतलब फुल रेडी नहीं थी हुई, मतलब मेकअप वगैरह मैंने बिल्कुल लाइट से किया था और मैंने आज लिपस्टिक थोड़ी डार्क की है तो क्योंकि काफ़ी दिनों बाद रेडी हुई और वो भी मेरी सिस्टर की, मेरी कज़न की मंगनी थी तो बहुत ज़रूरी था एंगेजमेंट के लिए। मतलब थोड़ा सा बंदे को थोड़ा चेंज होना चाहिए और इस तरह मैं और मेरी मामा का ये लुक था कंप्लीट और मैंने ये ड्रेस वेयर किया था कुछ इस तरह से। और अभी मैं मतलब आपके साथ सारा कुछ शेयर करूंगी। सबसे पहले हम एंट्रेंस था जो हमारी एंट्री हो रही है कुछ इस तरह से, हम मार्केट किस साइड पर जा रहे हैं क्योंकि दो फंक्शन थे और दूसरी साइड पर भी आए हुए थे लोग और इस साइड पर भी आए हुए थे। और अभी मैं आपके साथ अपनी वाली जो फैमिली है या अपने वाले जो साइड है वो शेयर करने लगी कुछ इस तरह से। इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, मतलब हर चीज़ परफेक्ट थी और ये बहुत अच्छा था। और नाना अबू जा रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी की मंगनी है तो इसलिए ज़रूरी है। और यहाँ पे फूलों वगैरह की जो मतलब अभी गेस्ट आएंगे, जो मतलब चीफ गेस्ट वगैरह भी आएंगे, उन सब के लिए जो फूलों की प्लेटें वगैरह वो रेडी की जा रही है। और कुछ इस तरह से मार्केट की साइड है और इतने ज़्यादा कर्टन वगैरह हर चीज़ देखें बहुत प्यारी, वेल डेकोरेटेड है। मैं एजुकेटेड बोलने लगी थी लेकिन डेकोरेटेड। और यहाँ पर मामा का फ़ोटोशूट चल रहा है कुछ इस तरह से। और फजर और हलीमा को भी आप देखेंगे, ये फजर है, फजर कुछ इस तरह से रेडी हुई है और मामा की पिक्स वगैरह बन रही थी और इस तरह से, क्योंकि अभी कोई मतलब गेस्ट वगैरह नहीं थे आए हुए, सिर्फ हमारी फैमिली मेम्बर्स थे इसलिए। और ये सीन कैप्चर करके आपके साथ शेयर कर लिया। हलीमा फजर इस तरह लग रही थी और हलीमा भी थोड़ी नज़र आएगी आपके साथ। उसने पिंक कलर का ड्रेस वेयर किया हुआ है और वही पिंक कलर की उसने लगाई हुई है हेयर पिंस। तो कुछ इस तरह से पूरा सेटअप था वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अभी बैकग्राउंड आपने देखा है, मेन सब आ रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, कुछ इस तरह से चल रहा है। और ये सिलसिला बहुत अच्छा था और जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो देख रहे थे कि हर चीज़ परफेक्ट है, टाइम पे हो रहा है, ये कुछ इस तरह से कोई चीज़ पेंडिंग तो नहीं है। और हमने ये जो फूलों की प्लेट्स वगैरह थी वो रेडी करके रख ली है। इसके बाद कुछ इस तरह से वियर्स मैंने अपनी पकड़ ली थी और मैंने इयररिंग्स भी पहन लिए थे और फिर मैंने नेकलेस का सोचा तो कहते नहीं इतना ज़्यादा हैवी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लुक चेंज हो जाएगा, इसलिए तो ये बिल्कुल ठीक है। तो सब फूलों वगैरह फूल वगैरह पकड़ के रेडी हो रहे हैं कि हम अभी मतलब गेस्ट आने लगे उनके ऊपर फेंकेंगे। और यहाँ पर देखें वियर्स, जो हमारी मेरी जो कज़न है और मेरी जो सिस्टर वो आ गई है तो उसके साथ हम मतलब दुपट्टा सेटिंग वगैरह कर रहे हैं। और सायरा सपना ने एक जैसा ड्रेस वेयर किया कुछ इस तरह से। सायरा की हेयर देख के, सपना की हेयर देख के माशाल्लाह दोनों के बाल लंबे लग रहे थे लेकिन थोड़े से पतले हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह उन्होंने अब जब कटिंग करवानी है ईद पे तो परफेक्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरह से मैं सीन कैप्चर कर रही हूँ वो भी जो ब्राइड रूम है वहाँ पर, और सब हम मिल के दुपट्टा सेटिंग वगैरह और ये जो थोड़ा सा काम पेंडिंग होता है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर जी बाहर सबसे पहले जो ब्राइड है, ब्राइड नहीं एंगेजमेंट गर्ल, उसका जी चल रहा है फोटोशूट। और मैंने कहा कि ये वाला सीन कैप्चर कर लूँ कि हमने किस तरह के हालात कर दिए, लेकिन सारा कुछ हमने बेटर रखा, कोई चीज़ हमने खराब नहीं की, मतलब साथ साथ हम अपनी चीज़ें संभालते रहे। और कुछ इस तरह से फंक्शन के बाद तो थोड़ा सा ये टाइमिंग होगी, यहाँ पर मतलब गेस्ट आ गए थे और हम यहाँ पर एंट्रेंस होने लगी थी और ब्राइड को भी हम ले गए थे, फिर ब्राइड बोल दिया एंगेजमेंट गर्ल।
तो कुछ इस तरह से व्यूअर्स मैंने ये वाला लगा लिया था हेयरबैंड, और कुछ इस तरह से इतना प्यारा लग रहा था, ताज की तरह लग रहा था। और ये हमें गजरे पहनाए जा रहे हैं, सबके लिए आए हुए थे, और यहाँ पे आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जो चीज़ें वगैरह लेके आई। ये आगे मतलब ये शेयर नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं हम इस तरह से शेयर करेंगे क्योंकि घर दिखाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं या जो ईदी है या जो भी आप समझ लें सारी वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर देंगे। तो हर एक छोटे से छोटे बच्चे की हर एक की चीज़ें आई हैं, कुछ ड्रेसेस वगैरह आई हैं, फैमिली मेम्बर्स के जितने मेम्बर्स हैं उन सबके ड्रेस आए हैं, और इवन के जो मेरी कज़न है उसके भी आए हैं। कज़न को मैंने सिस्टर इसलिए बोला क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खाला इकलौती खाला है, और उनकी इकलौती दो बेटियाँ, मतलब दो बेटियाँ, और बहुत अजीज़ हैं हमें इसलिए, और बहनों से कम नहीं है, बेस्ट फ्रेंड है, हर रिश्ता है उनके साथ, मतलब बहुत ज़्यादा हम करीब हैं। और कुछ इस तरह से जो मेन्यू था वो आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। मेन्यू में मतलब इतना मज़े का ग्रीनी चिकन बना हुआ था, चावल थे, और इस तरह से ये रशियन, मैंने तो रशियन सैलड सबसे पहले खाया और यमी था, टेस्टी था। और अफ्तार भी हो चुकी थी, अफ्तार में उन्होंने सबसे पहले खजूर जूस और पानी, मतलब इस तरह से उससे रोज़ा अफ्तार करने के बाद हमारा जो ये डिनर था कुछ इस तरह से वो हो गया। वो कंप्लीट होने के बाद इससे रस्म शुरू होने लगी है सारी की सारी, और ये रस्म पहले सबसे पहले की बड़ों ने, जितने भी वो जो गेस्ट आए हुए थे उन्होंने की, और साथ रिंग भी पहनाई गई, वो भी आपके साथ वो वाला हमने सीन मिस कर लिया, जब तक हम पहुंचे तब तक वो रिंग पहना चुके थे। तो ये वाले फिर आगे जितने भी गेस्ट आ रहे थे जो मतलब कपल बन के या इस तरह से आ रहे थे उन सब, और यहाँ पे जी पहनाने लगे ये हार, वो भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शौक से लाया हुआ था, और वो कह रहे थे हमें बहुत खुशी होगी कि आप पहनाएं, और कुछ इस तरह से गिफ्ट वगैरह भी पड़े हुए थे। सब एक्साइटेड थे, खुश थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फंक्शन रहा, और सब एक दूसरे को प्यार दे रहे थे। और यहाँ पे देखें जी दो दो कज़न, दो फ्रेंड्स जो भी एक दूसरे के करीब हैं कुछ इस तरह से आके अपनी पिक्स वगैरह फ़ोटोशूट करवा रहे हैं। फंक्शन के बाद कुछ इस तरह से चीज़ें संभाली जा रही हैं, उनको जिस तरह मतलब पैक किया गया था पहले उस तरह पैक करके अब लेके जाएंगे क्योंकि लड़के वाले लेके आ रहे हैं, अब लड़की वाले लेके जाएंगे, कुछ इस तरह से ज़रूरी होता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी एंगेजमेंट गर्ल, और मेरी कज़न अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत अच्छा डिसेंट सा कलर, और मेरी मामा और मैं उनकी गिफ्ट वगैरह दे रही हूँ, मेरी वीडियो भी बन रही थी साथ, और पिक्स वगैरह भी बनी थी। और देखे ये वाला जो मैंने लगाया हुआ इतना सूट कर रहा था, सब बोल रहे थे कि ये डिफरेंट लग रहा है, और उम्मीद करते कि आपको मेरा ये लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरी मामा को जिस तरह से मामा ने अभी गिफ्ट दिया और साथ में ये भी दे रही हैं, और ये ज़रूरी है क्योंकि मामा ने कहा इन्वेलप वगैरह नहीं था, बड़ी कोशिश की इन्वेलप का लेकिन नहीं याद नहीं रहा उनको, तो फिर वक्त कहते ऐसे मुझे देते हुए अच्छा नहीं था लग रहा। और मेरी और मामा की पिक्स वगैरह बनी, और इसके बाद ये वाला जो पूरा बाइक का सेटअप तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और रात हो चुकी थी, सारी मतलब रस्में हो गई, सब ने पिक्स वगैरह ली, सब ने प्यार दिया, और इस तरह से हम जी वेट कर रहे हैं, सब आ रहे हैं जा रहे हैं क्योंकि आ चुके थे लेकिन अब जाने का टाइम था। तो इस तरह से हम अपनी कार का वेट कर रहे थे, तो साथ हम जी कुछ स्लोमोज और पिक्स वगैरह बना रहे थे, मैं भी लगी हुई थी, और ये मेरी भाभी ने बनाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ऐसे करो, इस तरह करो, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, और उन्होंने बहुत अच्छे से कैप्चर किया, मतलब मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा लेकिन हो गया अच्छा से। तो व्यूअर्स अब मैं अजान सुनने के बाद आपके साथ मतलब जो नेक्स्ट वॉइस ओवर है वो करती हूँ, और कम्प्लीट वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इंशाल्लाह आपने ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आई नीड योर सपोर्ट्स, लव यू ऑल। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे जो मतलब सारा सेटअप वगैरह जो शेयरिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मामा कुछ इस तरह से रेडी थी, मैं भी, और सपना सारा को मैंने लुक शेयर कर लिया, इवन के जो इंगेजमेंट गर्ल थी उनका भी कर दिया थोड़ा सा, और ड्रेस वगैरह किस तरह से उन्होंने गजरे वगैरह, और गजरे इतने क्यूट, इतने प्यारे लग रहे थे हम सबको, और इस तरह हम सब रेडी शेडी हुए थे। और सलमान का और जुमान का भी एक जैसा ड्रेस था, लाइट पर्पल कलर में, वाइट कलर का, इस तरह का सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और कज़न वगैरह भी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जो फैमिली मेम्बर्स नहीं आते मैंने उनका नहीं किया, और मेल साइड पे मैं नहीं गई क्योंकि हर दोनों की साइड अलग अलग थी। असलान आया हुआ था लेकिन नाना बाबा छोड़ने के लिए आया हुआ था इसलिए कुछ इस तरह से, लेकिन वो फंक्शन शुरू होने से पहले। और ये देखें ये गाड़ी का वेट कर रहे हैं कुछ इस तरह से, मैं सपना सायरा मतलब सब इस तरह से, और मैं तो पिक्स वगैरह बना रही हूँ, मोमेंट्स कैप्चर कर रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और काफ़ी ज़्यादा इस तरह से फिर हम बैठी, और मैं आगे आप भी और भाभी बैठे, भाई और भाभी बैठे, और किस इस तरह से हमारा सेटअप रहा। तो जल्दी जल्दी से हम पहुँचे, और जाकर मैं बस कह रही थी मैं जूता चेंज करना, रेस्ट करना, और मतलब आगे वाला मतलब जो आपके साथ शेयर करना, लेकिन ये वाला काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टाइम लग गया क्योंकि सबको करना था, और इसके बाद यहाँ पे बाय बाय भी बोलना था, हमने बाय बाय बोला, और सारा ये वाला भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ।
बहुत अच्छे मोमेंट्स थे। यहाँ पे एक बहुत अच्छी पार्क है, वो भी आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी कि यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा करेंगे इंशाल्लाह। तो वियर्स वो वाला तो हो गया, उसके बाद हमने रेस्ट किया और चेंजिंग वगैरह की, और ये नेक्स्ट डे है सुबह का, सुबह का। और मैं कुछ इस तरह से ये देखे कितनी रफ़ और ये ड्रेस वेयर किया हुआ था मैंने, क्योंकि फ़्रेश होना था और मैंने कहा ये ठीक है ईजी रहूँगी। तो ये वाली जितनी भी चीज़ें थी ये सारी देखने के लिए आ रही थी, जितने भी आगे पीछे भले वाले वो सारे वो कह रहे थे हमने चीज़ें देखनी है, तो कुछ इस तरह से हमने इनको अच्छे से शो ऑफ, जैसे वो कहते हैं ना शो करवाए, उस तरह हमने शो करवाया। बहुत ज़रूरी था ये भी, सब बोल रहे थे इसलिए। तो हर एक ड्रेस वगैरह हर एक चीज़ें हैं, तो इस तरह से हमने ये भी सीन कैप्चर कर ली। और ये मामा का लिहाज है था, तो इसलिए मामा इसकी काफ़ी अच्छे से डिटेल दे सकते हैं, क्योंकि ये औरतों वाले काम होते हैं, औरतें देखने आती हैं और कहती हैं अच्छा ये वाली चीज़ें आई हैं, अच्छा वो वाली चीज़ें आई हैं, कुछ इस तरह से है ये चीज़ काम है, इस तरह से वो सारी बातें करती हैं। तो मामा ने ये वाला सीन आपके साथ शेयर किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए दें इजाज़त मुझे, और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें जो कि सना सना डॉट यू के नाम से है। अभी के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।